उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री जय प्रताप सिंह ने गोरखपुर के सर्किट हाउस के सभागार में आबकारी विभाग गोरखपुर जोन के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा वसूली करने पर जोर दिया गया। गोरखपुर में हुई इस बैठक में लगभग सभी जिलों के जिला आबकारी अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि कहीं भी कच्ची शराब का निर्माण व बिक्री ना होने पाए। वर्ष 2018 के बाद हम आबकारी नीति को और सरल करने जा रहे हैं। 10 राज्यों का दौरा करके आए हैं। 10 राज्यों का दौरा करके आए अधिकारी शराब की नीति को सुलभ बनाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि आबकारी मंत्री ने कहा है कि हाईवे पर शराब की बिक्री की रोक से शराब के राजस्व में बहुत नुकसान हुआ है। वर्ष 2016-17 में 5 से 6 हजार करोड़ का नुकसान भी हुआ है। दिसंबर में उस समय हमारे 8.5 हजार दुकानें हमारे हाईवे पर थे, राष्ट्रीय मार्गों और राज्य मार्गों पर, वो सभी को हटाना था। उससे हमारा लगभग 5 हजार करोड़ का नुकसान हुआ वर्ष 16-17, 17-18 में भी वो दुकानें पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए। लगभग 2000-2500 दुकानें आज भी नहीं हो पाए, वो सरेंडर भी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे से दुकानों को हटाने के आदेश के कारण आबकारी विभाग के राजस्व पर काफी असर पड़ा है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का संशोधन आदेश आया है।